साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि हमारे देश की बीजेपी सरकार ने एक अग्निपथ योजना शुरू की है, अग्निवीर योजना शुरू की है, जिसने देश को अग्नि में झोंक दिया है। और आपको पता है कि 72 बच्चे की खबर आई है कि अब तक वो परमात्मा के प्यारे हो चुके, सुसाइड कर चुके हैं। साथियों इस आंदोलन में हम तो लगे हुए हैं, उसके पहले भी आपको पता है किसानों के विरोधी कानून बनाए थे। जो आंदोलनकारी है वो तो लगे हुए हैं। आज का नई पीढ़ी जो है, बच्चे जो है, वो सड़कों पर हैं। मैं अपने शहर वाले भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप घर बैठे बीजेपी को का विरोध कर सकते हैं, आप घर बैठे अपने देश की मदद कर सकते हैं। मैं कल के चुनाव की बात करूंगा कि 19 तारीख को कल शहरों के चुनाव है म्युनिसिपल कमेटी के। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सारे शहर वासियों से कि बीजेपी को वोट ना दें, बाकी आपको जो अच्छा लगे किसी को दे लें, लेकिन बीजेपी का विरोध करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जहां दो कैंडिडेट हों उनको दो को पता हो कि हम हारेंगे और बीजेपी वाला जीतेगा, दोनों अपना समझौता कर लें, देश हित में कर लें। बीजेपी को हराना जरूरी है, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। ये एक आपका विरोध दर्ज हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद बीजेपी ये कानून वापस ले ले। तो बस इतनी सी मेरी बेनती है कि जो कल का चुनाव है, म्युनिसिपल का चुनाव है हरियाणा का, उसमें आप बीजेपी के उम्मीदवार को हराएं और उसके लिए आप बीजेपी के एंटी वोट करें। जिसको आपका दिल करता है उसको करें, जो भी जीतने वाला उनके मुकाबले में जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको वोट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।